गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स. हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस कर रहे थे वो थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स डिस्कस कर रहे थे. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अल्काइन्स को हम इसके बाद डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ के बारे में मैंने आपको बताया था. दीज आर द टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कीन्स, बट उनके मैकेनिज्म्स रह गए थे. तो आज हम सबसे पहले मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ से रिलेटेड मैकेनिज्म स्टडी करेंगे. मार्कोनिकोफ का भी मैकेनिज्म और एंटी मार्कोनिकोफ का भी मैकेनिज्म, ठीक है. तो अभी हमारा टॉपिक आज का टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोफ रूल. सो दैट पार्ट दैट इज दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म प्रेजेंट इन द अल्कीन्स, मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर द अल्कीन्स. ओके, इन केस ऑफ ए हेलो एसिड्स, सो स्पेशली फॉर HBr, ठीक है. तो ये तो पता चल गया था कि मार्कोनिकोफ का कंसेप्ट क्या था, बट उसका मैकेनिज्म अभी हमने करना है. सो द टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ, वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोफ रूल. आज दो मैकेनिज्म सीखेंगे, मार्कोनिकोफ का और एंटी मार्कोनिकोफ का. उसके बाद कल से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशंस अल्काइन्स की, ठीक है, और अल्काइन्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम कल से. सो मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोफ रूल की बात अगर हम करते हैं, मैकेनिज्म की स्पेशली बात करते हैं, तो बच्चों जो मैकेनिज्म है उसके अंदर सबसे पहली बात मैंने आपको एक बात बताई थी. मान लो ये प्रोटीन है आपके पास, दिस इज द प्रोटीन, वी हैव ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड व्हेन वी ऐड द एनी टाइप ऑफ एचआयन इट, जब हम इसमें कोई भी एचआयन डालते हैं तो नेगेटिव पार्ट, ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ये तो कहां जाएगा, दैट पार्ट मे बी गोज टू दिस कार्बन और मे बी गोज टू दिस कार्बन आफ्टर द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज फ्रॉम दिस साइड और मे बी फ्रॉम दिस साइड. ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है. तो यहाँ पे जब इधर की तरफ जब बॉन्ड मूव करेगा तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, पॉजिटिव इधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है. और अगर ये जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है. और मार्कोनिकोफ रूल यही था कि सेकेंड कार्बन के ऊपर जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव रिएजेंट अटैक करेगा. तो अब हम क्या देखते हैं, सपोज वी हैव टू पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द अटैक ऑफ एच आई एन इन केस ऑफ ए डबल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड अल्कीन. सो यू नो दैट इन केस ऑफ मार्कोनिकोफ रूल वी हैव, हमारे पास क्या था इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हमारे पास था HBr, और HBr किसमें डिसोसिएट हो सकता है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है. तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास अल्टीमेटली रिएक्शन ये थी, जब हम HBr डालते थे तो नेगेटिव जाता था इधर और पॉजिटिव जाता था इधर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, और हमारे पास बन जाता था 2-bromo-propane, ठीक है. बट जब हम HIN की बात करें तो HIN की पॉसिबिलिटी दो साइड से है, या तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव के पास आ जाए पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा हो सकता है अगर ये बोन इधर मूव करता यहाँ नेगेटिव आता यहाँ भी पॉजिटिव आ सकता था. तो हम देख रहे हैं दो पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉजिटिव यहां आ सकता है और जो ये वाला पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास जा सकता है, ठीक है. इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन, बिकॉज सेकेंड कार्बन के ऊपर दो साइड मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सेकेंड कार्बन के ऊपर कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो कि मोर स्टेबल होता है, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप अटैच ऑन द कार्बन एटम इन केस ऑफ ए कार्बोकेटायन. और अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव किया यहाँ नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव यहां जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो अल्टीमेटली ऐसी ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एच आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बिकॉज ये बॉन्ड अगर ब्रेक करता है या नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव और अल्टीमेटली दूसरी वाली साइड पॉजिटिव आ जाएगा. तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड प्राइमरी कार्बोकेटायन जो कि लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी. ये बात ऑलरेडी बता रखी है, टर्शियरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी. सो सेकेंडरी कार्बोकेटायन वी नो दैट मोर स्टेबल, ठीक है, बिकॉज इन द सेकेंडरी कार्बोकेटायन 2 अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोकेटायन एंड मेक इट स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटायन, बिकॉज इन द प्राइमरी कार्बोकेटायन ओनली सिंगल साइड अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड. सो द कार्बोकेटायन दैट इज फॉर्म विद अ लार्ज नंबर ऑफ और विद अ लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड मीन्स सेकेंडरी कार्बोकेटायन एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन सेकेंडरी कार्बोकेटायन के
इनकी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से डोनेट होंगे तो ये मोर स्टेबल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर मैं बात करूं मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की बहुत केसेस में, तो मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेप टू के अंदर क्या होगा, ये स्टेप वन था जिसके अंदर क्या किया गया, आयन एच आयन को डाल के देखा गया और दो पॉसिबिलिटी देखी गई, एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट और एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट। अब अगले केस में क्या करेंगे, हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ टू अल्काइल ग्रुप अटैच ऑन इट, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में हमारे पास यहाँ पे यहाँ एक एच कम था, यहाँ पे एच अटैक हुआ था और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अब हमारे पास बच गया है बी आर नेगेटिव, तो ये बी आर नेगेटिव अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव के पास जाकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, टू ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन करेगा और टू ब्रोमो प्रोपेन इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्कोनिकोफ्स रूल। सो अल्टीमेटली जो मार्कोनिकोफ की स्टेटमेंट थी वो प्रूफ होती है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू दिस अराउंड द डबल बॉन्ड इन विच डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड आफ्टर द क्लीवेज ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज may be a child move this side or this side, if the child attack on this side then positive charge appear on this carbon and this is called secondary carbocation and secondary carbocation have more stability as compared to primary carbocation due to secondary carbocation one negative is present in the HBr so negative goes to second carbon atom and make it two bromo propane this is the product, theek hai। so this is a in the two step we will complete the Markovnikov's rule। so stable carbocation means more secondary carbocation means stable carbocation cation is further reacted with the Br negative and formation of a addition product, formation of a final product will takes place, theek hai। to aap pata laga ki negative part Markovnikov's ke concept ke andar सेकेंड कार्बन पे क्यों जाता है, बिकॉज सेकेंड कार्बन बनता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि मोर स्टेबल होते हैं, तो नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाएगा जो कि जो हमारा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है। सो बच्चों ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था मार्कोनिकोव्स का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंटी मार्कोनिकोव्स जो कम्प्लीटली अपोजिट था मार्कोनिकोव्स से, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स का कंसेप्ट जिसको क्राश इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। परोक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर परोक्साइड जो है एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन, मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटी मार्कोवनिकोव्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड परोक्साइड इफेक्ट एंड क्राश इफेक्ट। And in this concept, why it is called peroxide effect? Because in this concept, benzoyl peroxide जो होता है वो यूज होता है। तो स्टेप वन के अंदर क्या होगा, पहले मैं इस कंसेप्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है सिंपली आई विल राइट फर्स्टली वी हैव सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रोपीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वेन वी एड एच बी आर इन इट इन द प्रेजेंस ऑफ ए परोक्साइड देन negative part goes to that carbon atom where more number of hydrogen atom are present around the double bond, then what is the reason that more number negative part goes to that negative part in a negative group that goes to that carbon atom where less more number of hydrogen atom around the double bond, but in case of Markovnikov negative part wahan jata hai less number of hydrogen atom hote hain around the double bond, तो ये रीजन रहता है परोक्साइड के कारण, क्योंकि परोक्साइड इफेक्ट के कारण होमोलिटिक क्लीवेज होती है और होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से इसके अंदर से फर्स्ट कार्बन के ऊपर नेगेटिव पार्ट जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है वन ब्रोमो प्रोपेन इंस्टेड ऑफ टू ब्रोमो प्रोपेन विद द मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट रहेगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट इस केस में रहेगा वन ब्रोमो प्रोपेन, ऐसा होता है ड्यू टू परोक्साइड। अब आपको मैं समझाती हूँ परोक्साइड की वजह से कैसे होता है। तो स्टेप वन है, सबसे पहले मैं कैटलिस्ट लिख रही हूँ, स्पेशली जो कैटलिस्ट लिया गया था दैट इज कॉल्ड बेंजोइल परोक्साइड, इसे बोलते हैं परोक्साइड। वो होते हैं जो दो ऐसा कोई भी परोक्साइड, परोक्साइड स्पेशली उसके लिए बोलते हैं जब दो बिल्कुल सिमिलर ग्रुप अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से दो ग्रुप बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए तो वो परोक्साइड ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर बेंजीन की रिंग है तो इसे बेंजोइल परोक्साइड बोलेंगे। तो ड्यूरिंग द होमोलिसिस
होमोलिटिक क्लीवेज होगी, और मैंने आपको होमोलिसिस बता रखी है जिसके अंदर फ्री रेडिकल, अगर दो ग्रुप बिल्कुल सेम हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो, तो इसके अंदर जो ब्रेक होता है वो इस तरीके का होमोलिटिक क्लीवेज होता है जिसे हम होमोलिसिस कहते हैं। और इस होमोलिसिस के बाद दो ग्रुप बनते हैं, बिल्कुल सिमिलर बनते हैं, ठीक है। और ये इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये मॉलिक्यूल ले जाएगा और एक ये मॉलिक्यूल लेके चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रेडिकल। और यहाँ मैंने दो मॉलिक्यूल लिख दिए हैं इसके, ठीक है। तो और उसके बाद ये अगर ये फर्दर होमोलाइज होता है, होमोलैक्टिक क्लीवेज इसमें फर्दर होती है, तो बन जाता है C6H5 रेडिकल, ठीक है। और साथ में ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ के बन जाता है CO2। तो ये अब हमारे पास है फिनाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल अब मेरे पास है, दैट इज फ्री रेडिकल। तो ये स्टेप वन के अंदर मेरा मेन प्रोडक्ट आता है, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। स्टेप टू की मैं बात करूं तो स्टेप टू के अंदर क्या होगा, ये जो मैंने रेडिकल बनाया है, ये रेडिकल प्लस में HBr, तो आपको पता ही है रिएक्शन में यूज करते हैं। जब हम कोई भी रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट की तरह किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ऐड करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल भी किसकी तरह होमोलिटिक क्लीवेज की तरह ही ब्रेक होता है। तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये इससे मिक्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा C6H6, और Br रेडिकल क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो अब हमें जरूरत है Br रेडिकल की, क्योंकि हमने ब्रोमीन को ही देखना है कि ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा या सेकंड कार्बन पे जाके अटैच होगा। वैसे मैंने आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता दिया है Br कहां जाएगा इस केस में, एंटी मार्कोनिकोव्स के केस में प्राइमरी कार्बन पे जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे जाएगा। अब ये बन गया बेंजीन। मैंने बताया जो भी रेडिकल अगर किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की तरह स्टेप टू में या किसी भी स्टेप में रिएक्ट करवाते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो भी होमोलैक्टिक क्लीवेज करता है। ये रेडिकल और एच रेडिकल जुड़ जाएगा, C6H6 बन जाएगा, और Br रेडिकल क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। नाउ इन द थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा बच्चे, थर्ड स्टेप के अंदर पॉसिबिलिटी चेक की जाएगी। ये एक रेडिकल है और इसके साथ हमने अटैच करवाना है प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन अटैच करवाएंगे, तो अब रेडिकल डाला है तो ये मॉलिक्यूल भी किसकी तरह ब्रेक होगा, परऑक्साइड की वजह से रेडिकल आया, रेडिकल की वजह से इस फिनाइल रेडिकल की वजह से HBr ने भी रेडिकल की तरह ब्रेक किया, C6H6 बन गया और साथ में बन गया Br रेडिकल। अब Br रेडिकल को प्रोपीन के साथ रिएक्ट करा है, तो प्रोपीन भी किसकी तरह एक्ट करेगा, वो भी रेडिकल की फॉर्म में ही ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी जो Br रेडिकल है मे बी फर्स्ट रेडिकल से जुड़े, मे बी सेकंड कार्बन के रेडिकल से जुड़े, और फर्स्ट कार्बन के रेडिकल से जुड़े किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी रहेंगी इस केस के अंदर। हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है CH3CH, यहाँ पे Br जुड़ जाए तो ये रेडिकल बच जाए, और एक पॉसिबिलिटी है CH3CH, यहाँ Br इस रेडिकल के साथ Br जुड़ जाए और यहाँ पर आ जाए CH3, ठीक है, या CH2 ही रहे, ओके, यहाँ पे रेडिकल आ जाए और Br यहाँ पे अटैच हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है, तो ये सेकेंडरी रेडिकल है, और ये कौन सा रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल है, ठीक है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल आफ्टर द अटैक ऑफ द Br रेडिकल, तो ये जो प्रोपीन मॉलिक्यूल है ये भी रेडिकल की होमोलिटिक क्लीवेज की इसने, और रेडिकल में भी यहां हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है रेडिकल के बनने की, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। तो एक जो Br रेडिकल है या तो इस कार्बन से जुड़ेगा, ये इस कार्बन से, अगर फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है तो यहाँ रेडिकल रह जाएगा, सेकंड कार्बन से Br जुड़ता है तो फर्स्ट कार्बन पे रेडिकल बच जाएगा। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल। और ये फर्स्ट प्राइमरी रेडिकल क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और सेकेंडरी रेडिकल क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पर Br कहाँ जा रहा है, फर्स्ट कार्बन पे Br जा रहा है, और एंटी मार्कोनिकोव ने यही कहा था नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे। इस केस में क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट फर्स्ट कार्बन पे जाने के बाद इसका जो सेकंड कार्बन है उसके पास रेडिकल है, और वो कौन सा रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है, और सेकेंडरी रेडिकल क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, जो सेकेंडरी रेडिकल आपने बनाया है, सेकेंडरी रेडिकल बनाया है Br के अटैच करने के बाद, तो इसमें अगर हम दोबारा से HBr डालते हैं तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें रेडिकल है, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेडिकल होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड होगा, तो वो मॉलिक्यूल किस तरह ब्रेक होगा, रेडिकल फॉर्म में होमोलिटिक क्लीवेज करके ब्रेक होगा। और ये जो रेडिकल है H का, ये इसके साथ जाकर मिलेगा तो क्या बन गया, CH3CH, यहाँ पे H जुड़ गया, ठीक है। और ये Br रेडिकल फिर से क्रिएट हो गया, तो अब ये Br रेडिकल फिर रिएक्शन में कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। तो मेजर फोर स्टेप्स हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बेटा, कितने स्टेप्स हैं, चार स्टेप हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर। पहले क्या लिया है हमने,
परोक्साइड एवेंजॉयल परोक्साइड की होमोलिटिक क्लीवेज की है, फिर उसमें से C6H5 रेडिकल को HBr के साथ रिएक्ट कराकर Br रेडिकल जनरेट किया है और उस Br रेडिकल को प्रोपीन के साथ रिएक्ट कराकर ठीक है क्या होगा, अगर वो फर्स्ट कार्बन पे Br लग रहा है तो सेकेंडरी कार्बन पे वो फ्री रेडिकल बन रहा है, और सेकेंड कार्बन पे Br लग रहा है तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं, तो उस सेकेंडरी फ्री रेडिकल को जो सेकेंड कार्बन पे रेडिकल है ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, उसमें अगेन HBr डाला है तो HBr भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा ठीक है। ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ के बन जाएंगे, ये बन गया 1-bromo-propane और Br रेडिकल बाय प्रोडक्ट ये फर्दर रिएक्शन में क्या हो जाएगा यूज हो जाएगा ठीक है। तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट ऑफ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड परोक्साइड इफेक्ट बिकॉज इन विच परोक्साइड विल यूज और दिस कंसेप्ट गिवन बाय द क्रैश। सो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैश इफेक्ट एंड दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंड इन दिस कंसेप्ट इन द मार्कोनिकोव रूल हिटोलिटिक क्लीवेज विल टेक्स प्लेस एंड इन द एंटी मार्कोनिकोव कंसेप्ट होमोलिटिक क्लीवेज विल टेक्स प्लेस। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए दिस कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा क्या, मैकेनिज्म सीखा किसका, मार्कोनिकोव रूल का और एंटी मार्कोनिकोव रूल का ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसके बाद से हम स्टार्ट करने आज हम स्टार्ट करने वाले थे एल्काइन्स का टॉपिक, बट ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट थे जो स्किप हो गए थे। तो सबसे पहले आप मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करेंगे, उसके मैकेनिज्म्स को लिख लिख कर देखेंगे, अपनी नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। और ये कंसेप्ट आपके ट्वेल्थ क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ट्वेल्थ क्लास के लिए समझ के चलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से ट्राई करेंगे। सो अगली क्लास में हम देखते हैं अल्काइन्स ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं द चैप्टर हाइड्रोकार्बन विच इज डिवाइड इंटू बेसिकली फोर पार्ट्स, दैट इज अल्केन अल्कीन्स अल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन ठीक है। सो हमने अल्कीन्स का टॉपिक खत्म किया, अल्कीन्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्केन खत्म किया उसके बाद अल्कीन स्टार्ट किया। अल्कीन्स टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो बिल्कुल ही ट्वेल्थ क्लास को रिलेट करने वाले हैं, तो हमें अल्कीन्स का टॉपिक तो बहुत अच्छे से करना है अपने कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्वेल्थ क्लास के हिसाब से भी। अल्कीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ठीक है। तो हाफ पोर्शन इसका खत्म होता है चैप्टर का, नेक्स्ट हाफ पोर्शन स्टार्ट करते हैं हम कल से अल्काइन्स। सो आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड ए फुल विद अ फुल डेडिकेशन ओके।